बढ़ती जा रही है। रानी तारा रोती रोती मरघट की तरफ जब चली है, वहां पहुंचते ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है। आहट पाकर के हरिश्चंद्र जी पास में आए, पूछने लगे, ए इतने समय यहाँ कौन है? रानी तारा ने अपने पिया की आवाज को पहचान लिया। मेरे भक्तों, अपनों की आवाज तो सपने में भी समझ में आ जाती है। रानी तारा हाथ जोड़ करके आवाज का आहट लेकर के उधर पहुंची और रो करके बोली, नाथ आज तुम्हारा बेटा संसार छोड़ के चला गया, जिसका दाह संस्कार करने में यहाँ आई हूँ। हरिश्चंद्र जी ने विचार किया, अगर मैंने ये कह दिया कि ये मेरा बेटा है तो मुझे कर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे मालिक ने यह कहा है जो भी दाह संस्कार करने आए उस पर कर लिया करना, और यदि मैंने ऐसा ना किया तो मेरे स्वामी की बात का उल्लंघन होगा, मेरा धर्म चला जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हरिश्चंद्र जी कहने लगे, भाई तुम कौन हो? मैं किसी रोहित को नहीं जानता, तुम किस रोहित की बात कर रही हो? संसार में जीव अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे हैं वादे, झूठे हैं रिश्ते और झूठे ही हैं नाते, झूठा है जग का ये सारा पसारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। कोई किसी का नहीं है, मुझे कर चाहिए। रानी तारा कहने लगी, स्वामी क्या कह रहे हो? अरे तुम कैसे पिता हो जो पुत्र के मृतक की बात सुनकर के तुम्हारा हृदय नहीं पिघला? अरे तुम्हें तो पिता बनने के योग भी, मैं क्या कहूं, तुम्हें तो पिता नहीं बनना चाहिए था, भगवान तुमने तुम्हें क्यों पिता बना दिया? अरे ऐसे इंसान को तो पुत्र कदापि नहीं देना था। लेकिन स्वामी भला हम यहां से और कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं, दाह संस्कार तो मुझे यही करना है। हरिश्चंद्र जी कहने लगे, देखो मैंने एक बार कह दिया बिना करके दाह संस्कार नहीं होगा, मुझे कर चाहिए। और फिर यदि तुम ये कहती हो कि तुम कैसे पिता हो, फिर तुम कैसी माँ हो, तुम कैसी पत्नी हो, जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा घड़ा उठवा दो, उस समय तुमने कह दिया था कि भाई हम किसी को नहीं जानते, उस दिन तुम्हारी बारी थी और आज हमारी बारी है। अरे बाद न की तुम याद ओ कर लियो ओ मेरी गोरी, तो
महाराज इतने ताए में मत मारो, मेरे पास कुछ नहीं है। रानी के शब्द सुन करके महाराज ने जान लिया मुझे कर नहीं मिलेगा। उसी समय रानी तारा कहने लगी, नाथ सही कहा जाता है, किसी ने कहा है जब पन्नी बिगड़ जाती है तो कोई बात नहीं पूछता है, रिश्तेदार हितकारी व्यवहारी सब पीठ दे जाते हैं। धोखे से भी अगर रिश्तेदार के पास पहुंच जाओ और फोन भी करो, एक बार तुम फोन करोगे वो काट देगा, 10 बार करोगे तब एक बार उठाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसे मांगने लगे, मदद मांगने लगे। क्योंकि जब बिगड़ जाती है तब लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, पता नहीं कब कितने समय हमसे मदद मांगी जाए। किसी ने कहा है, अरे बिगड़ी का बिगड़ जाती है ना तो सहायता देने वाला कोई नजर नहीं आता है। रानी तारा ने अनन भात से समझाया, तो
ठीक है।